इस वीडियो में हम फेफ फाइव बैट्समैन विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट और बाबर आजम के बीच टेस्ट, ओडीआई और टी20 लास्ट 100 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। विराट कोहली का जन्म 1988 में हुआ था, स्टीव स्मिथ का जन्म 1989 में हुआ था, केन विलियमसन का जन्म 1990 में हुआ था, जो रूट का भी जन्म 1990 में हुआ था और बाबर आजम का जन्म 1994 में हुआ था। विराट कोहली की करंट एज 34, स्टीव स्मिथ की भी करंट एज 34, केन विलियमसन की करंट एज 33, जो रूट की करंट एज 32 और बाबर आजम की करंट एज 28। विराट कोहली की हाइट 5'9" और वेट 70 kg, स्टीव स्मिथ की हाइट 5'9" और वेट 78 kg, केन विलियमसन की हाइट 5'8" और वेट 65 kg, जो रूट की हाइट 6 feet और वेट 70 kg और बाबर आजम की हाइट 5'11" और वेट 68 kg। विराट कोहली टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। जो रूट इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। विराट कोहली ने 2008 में ICC डेब्यू किया। स्टीव स्मिथ ने 2010 में ICC डेब्यू किया। केन विलियमसन भी 2010 में ICC डेब्यू किया। जो रूट ने 2012 में ICC डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2015 में ICC डेब्यू किया। विराट कोहली राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। स्टीव स्मिथ राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है। केन विलियमसन राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है। जो रूट भी राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है और बाबर आजम भी राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है। विराट कोहली ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। स्टीव स्मिथ भी नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। केन विलियमसन भी नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। जो रूट भी नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं और बाबर आजम ओपनिंग और नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। अब बात करते हैं ODI में उनके लास्ट 100 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। ODI में विराट कोहली ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 5,457 रन बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 4,472 रन बनाए हैं। केन विलियमसन ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 4,606 रन बनाए हैं। जो रूट ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 4,415 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 5,251 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 16 बार नॉट आउट रहे। स्टीव स्मिथ ने 11 बार नॉट आउट रहे। केन विलियमसन ने 9 बार नॉट आउट रहे। जो रूट ने 17 बार नॉट आउट रहे और बाबर आजम ने 11 बार नॉट आउट रहे। विराट कोहली की बैटिंग औसत 64.95, स्टीव स्मिथ की बैटिंग औसत 50.25, केन विलियमसन की बैटिंग औसत 50.75, जो रूट की बैटिंग औसत 53.15 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 58.15। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 97.15, स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 87.75, केन विलियमसन की स्ट्राइक रेट 81.10, जो रूट की स्ट्राइक रेट 89.75 और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 89.10। विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 166 अगेंस्ट श्रीलंका। स्टीव स्मिथ की बेहतरीन स्कोर 164 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। केन विलियमसन की बेहतरीन स्कोर 148 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जो रूट की बेहतरीन स्कोर 133 अगेंस्ट बांग्लादेश और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 158 अगेंस्ट इंग्लैंड। लास्ट 100 इनिंग्स में विराट कोहली ने 21 सेंचुरी और 27 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने 12 सेंचुरी और 29 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। केन विलियमसन ने 9 सेंचुरी और 30 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। जो रूट ने 12 सेंचुरी और 28 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने 19 सेंचुरी और 26 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने 17 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। स्टीव स्मिथ ने 11 बार, केन विलियमसन ने 9 बार, जो रूट ने 7 बार और बाबर आजम ने 13 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। ODI में विराट कोहली की करंट एसेस रैंक नंबर 8, स्टीव स्मिथ की करंट एसेस रैंक नंबर 12, केन विलियमसन की करंट एसेस रैंक नंबर 19, जो रूट की करंट एसेस रैंक नंबर 28 और बाबर आजम की करंट एसेस रैंक नंबर 1। आप बात करते हैं टेस्ट में उनके लास्ट 100 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। टेस्ट में विराट कोहली ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 4,751 रन बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 5,221 रन बनाए हैं। केन विलियमसन ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 5,721 रन बनाए हैं। जो रूट ने लास्ट 100 इनिंग्स में कुल 4,738 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने 100 इनिंग्स कंप्लीट नहीं किया तो लास्ट 90 इनिंग्स में कुल 3,772 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 5 बार नॉट आउट रहे। स्टीव स्मिथ ने 11 बार नॉट आउट रहे। केन विलियमसन ने 13 बार नॉट आउट रहे। जो रूट ने 8 बार नॉट आउट रहे और बाबर आजम ने 11 बार नॉट आउट रहे। विराट कोहली की बैटिंग औसत 50.05, स्टीव स्मिथ की बैटिंग औसत 58.50,
केन विलियमसन की बैटिंग के साथ 65.75, जो रूट की बैटिंग के साथ 51.50 और बाबर आजम की बैटिंग के साथ 47.75। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 55.90, स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 51.50, केन विलियमसन की स्ट्राइक रेट 55.95, जो रूट की स्ट्राइक रेट 58.80 और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 55.20। विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 254 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, स्टीव स्मिथ की बेहतरीन स्कोर 239 अगेंस्ट इंग्लैंड, केन विलियमसन की बेहतरीन स्कोर 251 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो रूट की बेहतरीन स्कोर 254 अगेंस्ट पाकिस्तान और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लास्ट 100 इनिंग्स में विराट कोहली ने 15 सेंचुरी और 16 हाफ सेंचुरी बनाई है, स्टीव स्मिथ ने 17 सेंचुरी और 20 हाफ सेंचुरी बनाई है, केन विलियमसन ने 21 सेंचुरी और 20 हाफ सेंचुरी बनाई है, जो रूट ने 14 सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी बनाई है और बाबर आजम ने 9 सेंचुरी और 26 हाफ सेंचुरी बनाई है। विराट कोहली ने 7 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, स्टीव स्मिथ ने 7 बार, केन विलियमसन ने 10 बार, जो रूट ने 6 बार और बाबर आजम ने 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। टेस्ट में विराट कोहली की करंट एसिस रैंक नंबर 14, स्टीव स्मिथ की करंट एसिस रैंक नंबर 3, केन विलियमसन की करंट एसिस रैंक नंबर 1, जो रूट की करंट एसिस रैंक नंबर 2 और बाबर आजम की करंट एसिस रैंक नंबर 4। आप बात करते हैं T20I में उनके लास्ट 15 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। T20I में विराट कोहली ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 1949 रन बनाए हैं, स्टीव स्मिथ ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 1001 रन बनाए हैं, केन विलियमसन ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 1412 रन बनाए हैं, जो रूट ने 15 इनिंग्स कंप्लीट नहीं किया तो लास्ट 30 इनिंग्स में कुल 893 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 1569 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 19 बार नॉट आउट रहे, स्टीव स्मिथ ने 10 बार नॉट आउट रहे, केन विलियमसन ने 5 बार नॉट आउट रहे, जो रूट भी 5 बार नॉट आउट रहे और बाबर आजम ने 4 बार नॉट आउट रहे। विराट कोहली की बैटिंग औसत 62.85, स्टीव स्मिथ की बैटिंग औसत 25.05, केन विलियमसन की बैटिंग औसत 31.40, जो रूट की बैटिंग औसत 35.75 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 34.10। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 140.10, स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 125.10, केन विलियमसन की स्ट्राइक रेट 122.05, जो रूट की स्ट्राइक रेट 126.30 और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 124.25। विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 122 अगेंस्ट अफगानिस्तान, स्टीव स्मिथ की बेहतरीन स्कोर 90 अगेंस्ट इंग्लैंड, केन विलियमसन की बेहतरीन स्कोर 95 अगेंस्ट इंडिया, जो रूट की बेहतरीन स्कोर 90 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 110 अगेंस्ट इंग्लैंड। लास्ट 15 इनिंग्स में विराट कोहली ने 1 सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी बनाई है, स्टीव स्मिथ ने 4 हाफ सेंचुरी बनाई है, केन विलियमसन ने 11 हाफ सेंचुरी बनाई है। लास्ट 30 इनिंग्स में जो रूट ने 5 हाफ सेंचुरी बनाई है और बाबर आजम ने 2 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी बनाई है। विराट कोहली ने 5 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, स्टीव स्मिथ ने 2 बार, केन विलियमसन भी 2 बार, जो रूट भी 2 बार और बाबर आजम ने 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। T20I में विराट कोहली की करंट एसिस रैंक नंबर 22, स्टीव स्मिथ की करंट एसिस रैंक 100+, केन विलियमसन की करंट एसिस रैंक नंबर 86, जो रूट की करंट एसिस रैंक 100+ और बाबर आजम की करंट एसिस रैंक नंबर 3। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पर्सनली मुझे लगता है टेस्ट में नंबर 1 पर आता है केन विलियमसन, नंबर 2 पर आता है स्टीव स्मिथ, नंबर 3 जो रूट, नंबर 4 विराट कोहली और नंबर 5 बाबर आजम। ODI में नंबर 1 पर आता है विराट कोहली, नंबर 2 पर आता है बाबर आजम, नंबर 3 जो रूट, नंबर 4 स्टीव स्मिथ और नंबर 5 केन विलियमसन। और T20I में नंबर 1 पर आता है विराट कोहली, नंबर 2 पर आता है बाबर आजम, नंबर 3 जो रूट, नंबर 4 केन विलियमसन और नंबर 5 स्टीव स्मिथ। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है ओवरऑल बेस्ट बैट्समैन कौन है कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।